गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछली क्लास में जो है ठीक है हम पढ़ चुके थे, ठीक है भाई, बोर पोस्टुलेट के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि जो है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है केवल पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही, ठीक है, रिवॉल्व करेगा, और जो ऑर्बिट जो अवेलेबल होंगे केवल, ठीक है, कुछ ही ऑर्बिट जो अवेलेबल होंगे, कौन से ऑर्बिट जो अवेलेबल होंगे, ठीक है, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा इसका एच अपॉन 2 पाई का, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते वक्त है एनर्जी के भी क्या नहीं करता है, रेडिएट नहीं करता है, ठीक है। इससे क्या हुआ, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, एब्जॉर्ब या फिर एमिट करेगा एनर्जी, ठीक है, जब ये जंप करता है या फिर मूव करता है, ठीक है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में या फिर हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में आता है, तो ठीक है, ये भी हम यहाँ पर जो है, ठीक है, पढ़ चुके थे, ठीक है। ये वाला जो रूल कहलाया है, बहुत फैंसी रूल कहलाया भाई, ठीक है। अब जो हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या रहा भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, इसकी जो एक यूजफुलनेस यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्या यूजफुलनेस रही, ठीक है, इस मॉडल की जो है यूजफुलनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो है यूजफुलनेस, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर, यूजफुलनेस ऑफ बोर मॉडल, क्यों ये फायदेमंद रहा, ठीक है, क्यों, ठीक है, इतना जो है, ठीक है, फेमस हो गया, क्या कारण रहा, ठीक है, क्या अभी तक भी फेमस है ये, ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पर जो है इसके बारे में देखेंगे अभी, ठीक है। देखो बहुत ही फेमस रहा ये, ठीक है, नील बोर जो, ठीक है, जो रहा इनके जो बोर ने जो मॉडल दिया, इन्होंने क्या कर दिया भाई, देखो एटम का सेंटर होता है, क्या क्या बताया इन्होंने, एक बार फिर से जब रिकैप कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से, एटम का सेंटर होता है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें सारा सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कंटेनर होता है, ये बताया, ठीक है, मास भी इनका रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या बताया इन्होंने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ उसने क्या कहा, एनर्जी लेवल नाम दिया, क्या नाम दिया, एनर्जी लेवल, ठीक है। फिर ऑर्बिट भी कहा उसने, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल को उसने क्या नाम दिया कि एनर्जी लेवल, ठीक है, दूसरे एनर्जी लेवल को क्या नाम दिया, एल सेल, ठीक है, और थर्ड वाले को क्या नाम दिया, एम सेल नाम दिया, ठीक है। इस प्रकार से उसने क्या रखे थे, नाम दे रखे थे, ठीक है। अब जो साथ ही उन्होंने, ठीक है, ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब जब रिवॉल्व करेगा, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है, क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है, ये एनर्जी, ठीक है, E1, ठीक है, इसकी एनर्जी E2, ठीक है, और इस वाले की एनर्जी क्या है, ठीक है, E3, ठीक है। इनके जो है एनर्जी लेवल को नाम भी दे रखा था क्या, के, ठीक है, उसके बाद जो है दूसरे वाले को एल, ठीक है, तीसरे वाले को क्या नाम दे रखा था, एम, ठीक है, ऐसे, ठीक है, चलो इसको यहाँ पर नहीं लिखते अभी, ठीक है, और ये एल हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से रब कर दो, नीचे की तरफ से क्या रहेगा, उसका रहेगा, हाँ ये देखो, ठीक है, हाँ, तो ये E1, ठीक है, रहा आपका, ठीक है, और ये थर्ड वाला जो रहा, ठीक है, ये कौन सा रहा, E3 रहा, ठीक है, और ये के एल एम, ठीक है, एन एंड सो, ठीक है, ऐसे रहा, ठीक है। साथ ही उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल इसमें घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ठीक है, डू नॉट रेडिएट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी भी रेडिएट नहीं करता, डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग, ठीक है, रिवॉल्विंग करते वक्त जब वो गोल गोल घूम रहा है तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है, ये भी उन्होंने बताया, ठीक है, बोर ने बता दिया, ठीक है। और दूसरी क्या बात बताई, ठीक है, केवल कुछ ही सर्कुलर पाथ जो ऑर्बिट अवेलेबल है, ठीक है, जो के सेल एल सेल, ठीक है, ऑर्बिट ओनली दो ऑर्बिट ओनली, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं क्या, ओनली, ठीक है, दो ऑर्बिट पॉसिबल, दो ऑर्बिट पॉसिबल, कौन सा ऑर्बिट पॉसिबल है भाई, जल्दी बताओ, दो ऑर्बिट आर पॉसिबल विच है, जिनका, ठीक है, पॉसिबल विच हैव एंगुलर मोमेंटम, इन विच, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इन विच इलेक्ट्रॉन विल हैव इन विच इलेक्ट्रॉन विल हैव एंगुलर मोमेंटम एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा भाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई का, ठीक है, मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो इसको जो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एम वी आर, ठीक है, एम क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का, वी क्या वेलोसिटी, ठीक है, कि लीनियर वेलोसिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, आर क्या रेडियस रहेगी, ठीक है, उस सेल की जो है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका, इंटीग्रल तो एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इंटीजर टाइप है, और एच अपॉन 2 पाई ये का है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, वेयर एन इज, यहाँ पर एन क्या है, ठीक है, रहेगा 1 2 3, ठीक है, ऐसे 100, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया इन्होंने, अब ठीक है, इसी से, ठीक है, ये फिर उसने जो एनर्जी बता दी,
एनर्जी क्या रहेगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रत्येक ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, क्या बताया उन्होंने, उसकी एनर्जी क्या बताई थी, जैसे क्या इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी बताई उन्होंने थी, जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक था, ठीक है, दैट इज के शेल, के शेल के अंदर जो एनर्जी है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, -13.6, -13.6, ठीक है, बाय एन स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो वर्क, ठीक है, से फॉर्मूले से निकालना है यहाँ पर एनर्जी का, ठीक है, फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा एन क्या, यहाँ पर वेयर एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ शेल, ठीक है, एन इज नंबर ऑफ शेल, ठीक है, एन इज नंबर ऑफ शेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, ये क्या है, किसी भी सेल के लिए, एनी सेल के लिए, ठीक है, एनी सेल के लिए ये वाला फॉर्मूला रहेगा एनर्जी का जो है, ठीक है, के सेल के लिए क्या है, ए फोर के सेल, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू वन है, ठीक है, तो एनर्जी, ठीक है, सो एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, जिसे हम कह सकते हैं ई एन इज इक्वल टू ई फर्स्ट जाएगा -13.6, ठीक है, वन का स्केयर कर देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा -13.6 माइनस में भाई, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, एनर्जी जो है सेकंड सेल के अंदर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन हो गए उनकी एनर्जी भी जब निकाल सकते हैं ई टू, ठीक है, तो कितना होगा -13.6 और टू का स्केयर कर देंगे तो कितना 4 आएगा, तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो माइनस, ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 पॉइंट करे कुछ आएगा, माइनस में जाए, ठीक है, वैल्यू रहेगी 3.4 12, ठीक है, 1 6 हाँ, तो कितने 4 16, ठीक है, तो इतने में चला जाएगा 3 पॉइंट, ठीक है, जितने रहेगा पॉइंट और 1 6, ठीक है, 4 16, ठीक है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे थर्ड के लिए भी देख सकते हैं हम यहाँ पर जाए, ठीक है, थर्ड के लिए जो रहेगी, ठीक है, एनर्जी जो रहेगी क्या रहेगी, ठीक है, उसको भी निकाल लेते हैं, तो किसी भी सेल के लिए, ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाल देते हैं यूजफुलनेस, ठीक है, यहाँ पर जो बहुत ही बोर मॉडल है, ठीक है, जो बता दिया कि बहुत अच्छे से, ठीक है, एनर्जी बता दी, रेडियस को भी उन्होंने, ठीक है, जो बता दिया था क्या रेडियस रहेगी जो है, ठीक है ना, रेडियस जो है, ठीक है, रेडियस को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था, रेडियस ऑफ सेल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेल जो होगी, ठीक है, वो भी उन्होंने बताया था, क्या फॉर्मूला था, ठीक है, आर एन इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर जो आर नोट, ठीक है, एन, ठीक है, आर नोट यहाँ पर क्या रहा उसका जो फार्मूला, आर नोट एन, ठीक है, एन एन आर नोट एन था, ये क्या था भाई, ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, आर नोट एन, ठीक है, एन स्केयर था, ठीक है, ये भी जिन्होंने, ठीक है, ये बता दिया यहाँ पर, ठीक है, आर नोट एन, ठीक है, जिसको कि बाद में, ठीक है, तो किसी भी सेल के लिए निकाल सकते हैं, तो अगर हम, ठीक है, निकाले तो किसी का भी निकालना है तो आर नोट यहाँ पर रहेगा एन स्केयर अपॉन में जेड, जी जेड क्या रहा है, एटॉमिक नंबर रहा है, ठीक, किसी के भी हम निकाल सकते हैं रेडियस जो, ठीक है, आर नोट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, आर नोट, ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे छोटा जो हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन की जो के सेल है, ठीक है, उसके लिए बताया था 52.9 पिको, ठीक है, आर नोट की वैल्यू क्या है ये बताया थी, ठीक है, हाँ, ये भी जो बोर ने, ठीक है, कैलकुलेट किया था यहाँ पर जो है सारी चीजें बता दी, ठीक है, वेलोसिटी बता दी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वेलोसिटी के लिए भी एक्सप्रेशन, ठीक है, इन्होंने जो बताया क्या एक्सप्रेशन था वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन के लिए, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी भी जो रही ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट के अंदर डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक है, जो वो भी रही, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या फॉर्मूला बताया, वी एन इज इक्वल टू यहाँ पर आया वी नोट इंटू जेड बाय एन, ठीक है, जेड बाय एन रहा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर वी नोट क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जो कि जिसकी वैल्यू जो यहाँ पर जो मानेंगे कितने मानेंगे, 2.188 × 10⁻¹ सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है भाई, तो वेलोसिटी भी बता दी, रेडियस बता दिया, एनर्जी बता दी, मोमेंटम निकाल दिया इलेक्ट्रॉन का, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जिन्होंने इसके द्वारा जो है कैलकुलेट कर दी गई, ठीक है, इसकी वजह से क्या रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल रहा है, ठीक है, तो यूजफुलनेस की जब हम बात कर रहे थे, तो इसने क्या किया ना, ठीक है, यूजफुलनेस, ठीक है, तो यूजफुलनेस के यहाँ पर जो क्या रहेंगे, 2 पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनको देख लेते हैं कौन कौन से भाई, तो फर्स्ट जो, ठीक है, जो रहा, तो पहले उसको ठीक है जगह बना लेते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट जो है, ठीक है, इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, ये क्या क्या कर पाया, स्टेबिलिटी एटम की जो है, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है, ये भी जो एक्सप्लेन किया इन्होंने, ठीक है, कैसे, ठीक है, जो देखो रदरफोर्ड के टाइम पर क्या आ रहा था, ठीक है, वहां पर दिक्कत आ गई थी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज पार्टिकल है, देखो उसने बताया था रदरफोर्ड ने, सेंटर क्या न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
गोल गोल इसमें जो घूमता है ठीक है। लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार जो पता चला कि इलेक्ट्रॉन जब चार्ज पार्टिकल था एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है, एनर्जी लूज करेगा। दूसरे तरह एक समय ऐसा आया कि इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पे चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा ठीक है। तो इन्होंने जो है स्टार्टिंग में कह दिया ठीक है ये किसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू बोर, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के अनुसार था ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को इन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया ठीक है। बोर ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू बोर, बोर ने कह दिया कि इन्होंने ठीक है तो एटम स्टेबल क्यों नहीं है ठीक है, एटम जो स्टेबल है क्यों है ठीक है, व्हाई एटम इज स्टेबल ठीक है, ऐसा होना चाहिए एटम, अगर ऐसा हो रहा है ठीक है इसके अनुसार ऐसा होना चाहिए ठीक है। एटम इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर प्रोटोन के अंदर चला जाना चाहिए जो कि एटम जो है स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एटम जो स्टेबल है ठीक है। रदरफोर्ड में यही क्वेश्चन था यहाँ पर ठीक है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो एटम डू नॉट स्टेबल ठीक है, एटम जो स्टेबल नहीं है, एटम स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए अभी ठीक है, नहीं होनी चाहिए समझिए इसको ध्यान से भाई ठीक है। एटम नॉट स्टेबल ठीक है, नॉट स्टेबल ठीक है, स्टेबल बट एटम इज स्टेबल ठीक है, बट एटम इज स्टेबल, एटम क्या स्टेबल है। तो यही जो है स्टेबल क्यों है यही एक्सप्लेन करना था ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन किया किसने, बोर ने ठीक है। बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, डू नॉट रेडिएट एनर्जी, जिससे कि स्टेबिलिटी को ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी तो उसकी एनर्जी कम नहीं, तो गोल गोल घूमता रहेगा, जब गोल गोल घूमता रहेगा तो एटम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग, व्हाइल रिवॉल्विंग ठीक है, रिवॉल्व करते वक्त जो है ठीक है वो क्या रहे ठीक है। इन्होंने सबसे पहले यही पॉइंट बताया था भाई ठीक है, इसकी वजह से ठीक है बोर जी क्या कर पाए, एटमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाए ठीक है, व्हाइल रिवॉल्व ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट जो रहा ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रहा, इट एक्सप्लेन था ठीक। तो ये पॉइंट एक्सप्लेन किया इन्होंने ठीक है, इसलिए भी क्या रहा है ठीक है, अरे वाह ठीक है, रदरफोर्ड को जो इन्होंने क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया ठीक है। तो महान कहलाए ठीक है, बहुत ही जो बड़े साइंटिस्ट बन गए ठीक है, एटम को स्टेबल बना दिया इन्होंने ठीक है, ऐसा जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए। दूसरा क्या किया ठीक है इन्होंने, इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ठीक है, इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखो लाइन स्पेक्ट्रम जो रहे हाइड्रोजन के, अलग अलग साइंटिस्ट ने ठीक है आगे डिस्कवर किए थे, लीमन ने अलग किया ठीक है, बामर ने अलग किया ठीक है, तो उनको भी इन्होंने जो एक्सप्लेन किया ठीक है सारी चीजें ठीक है, क्यों जो है एनर्जी निकल रही है ठीक है, ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन, स्ट्रेस फैक्ट्री जो है एक्सप्लेनेशन दिया है ठीक है। देखो इन्होंने क्या बताया, ध्यान से देखिएगा भाई ठीक है, थोड़ी सी क्या क्या इन्होंने बताया देखो, अकॉर्डिंग टू बोर ठीक है, बोर के अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू बोर ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, बोर थ्योरी के अनुसार क्या रहेगा ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन डू नॉट, एन इलेक्ट्रॉन डू नॉट एब्जॉर्ब ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो नहीं तो एब्जॉर्ब करेगा ठीक है, और एमिट कर, डू नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी एज लॉन्ग एज, जब तक कि ये कहाँ पे रहेगा, एज लॉन्ग एज इट स्टेज इन ऑर्बिट, इट स्टेज इन ऑर्बिट, जब तक ये कहाँ पे रहेगा, ऑर्बिट में रहेगा, इट स्टेज इन ऑर्बिट ठीक है भाई। लेकिन जैसे ही ठीक है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी गेन करता है ठीक है बाहर से ठीक है, ये मतलब कोई एटम को ठीक है हम क्या कर रहे हैं, व्हेन एन एटम ठीक है, हाउ एवर यदि आप क्या कर रहे हैं, कभी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं, और व्हेन एन एटम इज सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्टेड टू टू चेंज, टू चेंज सब्जेक्ट टू चेंज ठीक है, चेंज किसके द्वारा ठीक है, सब्जेक्ट टू ठीक है, यहाँ पर लिखा हीट लगा लो या तो ठीक है हीट लिख लो ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं हम ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ठीक है, हीट से एनर्जी दे रहे हैं ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा रहे हैं ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब थी ना हमारे हाइड्रोजन वाली जो है ठीक है, वो हमने यहाँ पर अगर रखी दी थी, जिसमें से सैंपल को जो हमने पास करा था ठीक है, कौन सी लाइट को जो हमने पास किया था ठीक है, सैंपल से हाइड्रोजन गैस ठीक है, पहले क्या थी कोल्ड में थी वो ठीक है, एब्जॉर्प्शन उस दौरान ठीक है, और जब एक बार दूसरी बार क्या थी ठीक है, हाइड्रोजन गैस ठीक है, पहले कोल्ड में थी और दूसरी बार कैसी थी, हॉट थी वो ठीक है, हॉट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, एमिशन होता है ठीक है ना, तो तब केवल तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ठीक है, एनर्जी से रेडिएट करेगा ठीक है, व्हेन एटम सब्जेक्ट टू हीट, और हीट विल क्या करेगा ठीक है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, इलेक्ट्रॉन में जंप, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा भाई ठीक है, में जंप फ्रॉम ठीक है कहाँ से भी ठीक है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है ठीक है। जो तो उस दौरान क्या होगा, ये कब होगा ठीक है, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन के दौरान होगा ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा उस दौरान ठीक है भाई, और ठीक है एमिशन ठीक है, एमिशन के दौरान ठीक है क्या होगा भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो क्या हो रहा होगा ठीक है, वापस आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम
ये जंप कर रहा हो कहाँ से, वही चिके फ्रॉम हायर एनर्जी, ठीक है सॉरी हम यहाँ पर लिखेंगे हायर एनर्जी लिखेंगे, ठीक है हायर फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट आ रहा होगा, ठीक है तो उस दौरान क्या होगा एमिशन होगा, ठीक है ये पढ़ा हुआ हमने, ठीक है पढ़ चुके सारे, इस दौरान जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, पढ़ा तो भाई हमने, ठीक है जो वहाँ पर जो है कलर लाइन दिखाई देंगे, कुछ 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 कलर लाइन दिखाई देंगे, बाकी सारा डार्क पोर्शन रहेगा एब्जॉर्प्शन का भी, ठीक है इसमें भी स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है तो इनको इसने ठीक है अच्छे से एक्सप्लेन किया उनकी एनर्जी के बारे में, ठीक है अब इन्होंने पता क्या बताया जो इसकी एनर्जी क्या है, मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट में E1 है, ठीक है एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी 2 है, ठीक है तो जो रेडिएशन एमिशन के दौरान ठीक है निकलेंगे उनकी एनर्जी का भी फार्मूला बताया, जो कि रूल कहलाया बोर फ्रिक्वेंसी रूल, क्या कहलाया बोर फ्रिक्वेंसी रूल कहलाया, ठीक है बोर फ्रिक्वेंसी रूल के द्वारा इसने क्या किया, ठीक है उसको एक्सप्लेन किया बोर फ्रिक्वेंसी रूल क्या कहता है, देखो बोर फ्रिक्वेंसी रूल में बताता है कि रेडिएशन जो निकलेंगे ना, ठीक है जो एमिशन होंगे, ठीक है रेडिएशन उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी ये बताया इन्होंने भाई, ठीक है तो ठीक है तो क्या है जो E1 है, ठीक है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन ऑफ लाइट, हाँ तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन ऑफ, फोटोन ऑफ लाइट, फोटोन ऑफ लाइट 10 एमिटेड, 10 एमिटेड वो डिपेंड करेंगे इसके ऊपर, एमिटेड डिपेंड अपॉन, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द कौन था एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस किसका E1 और E2 का, एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल, टू एनर्जी लेवल, टू एनर्जी लेवल, टू एनर्जी लेवल, ठीक है जो एनर्जी लेवल थे वही, ठीक है तो जैसे क्या था यहाँ पर ये क्या था न्यूक्लियस है, इसके बाद ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसके बाद ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ठीक है उसके बाद ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ठीक क्या हो रहा है, ठीक है यहाँ से जो है ठीक है देखो मान लेते हैं यहाँ से ठीक है ये क्या आ रही है, ठीक है लाइट आ रही है, ठीक है लाइट आ रही है, ठीक है यहाँ से जो एच न्यू, ठीक है फोटोन आया, ठीक है एच न्यू जिसकी एनर्जी क्या है, ठीक है फोटोन आ रहा है यहाँ पर, फोटोन आएगा तो एनर्जी देगा, ठीक है इसको एनर्जी दी मान ले इलेक्ट्रॉन, ठीक है इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे चला गया यहाँ पर चला गया, ठीक है अब वो वापस आ रहा है, ठीक है दोबारा से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक है पहले था अब ये क्या था ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ये क्या एक्साइटेड स्टेट है भाई, ठीक है अब यहाँ से ठीक है वो वापस आ रहा है इसमें भी, ठीक है तो उस दौरान क्या होगा, ठीक है जो क्या होगा, ठीक है यहाँ से जो है ठीक है रेडिएशंस निकले, ठीक है रेडिएशंस को ठीक है वैसे दिखा दिया, अब उनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है उनकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है जो रेडिएशंस यहाँ से बाहर निकले, ठीक है ये रेडिएशन जो बाहर निकले ना, ठीक है ये रेडिएशन जो निकले उनकी फ्रिक्वेंसी के लिए फार्मूला बताया उन्होंने क्या होगी फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी होगी यहाँ पर जो इसकी एनर्जी थी E2, ठीक है और जो फर्स्ट एनर्जी थी सेल था, ठीक है उसका क्या था E1 थी, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर जो E2 - E1, ठीक है जो कि आपका डेल्टा E कहलाता है, ठीक है ये तो कहलाता है डेल्टा E, ठीक है जो एनर्जी का डिफरेंस होगा यहाँ पर जो है डेल्टा E कहलाया, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है ये कहलाया आपका डेल्टा E, ठीक है ना अब ये जो उसको दिया जाएगा किसके इस एक्सप्रेशन से यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है तो जो ये एनर्जी हुई रेडिएशन निकली, ठीक है और यहाँ पर है, ठीक है इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस है उसके तो बराबर होगा, अरे बताया नहीं क्या, ठीक है इसकी एनर्जी मान लेते हैं 100 है, ठीक है और उसकी एनर्जी कितनी है 50 है भी, ठीक है अब जो एनर्जी का डिफरेंस कितना 50 हो गया, तो 50 एनर्जी ठीक है इसके बराबर होगी, ठीक है ये जो रेडिएशन बाहर निकले हैं सिंपल सी बात है यहाँ पर जो है, ठीक है तो ये रूल जो कहलाया क्या बोर फ्रिक्वेंसी रूल कहलाया है, ठीक है कि फ्रीक्वेंसी भी जो उन्होंने निकाल दी भाई, ठीक है तो इसको जो फार्मूले को हम ठीक ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर जो है ठीक है न्यू है, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इधर रहेगा न्यू, न्यू को इधर रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है E2 - E1 कर लेते हैं यहाँ पर और बटे में ठीक है एच इधर आ जाता है, ठीक है एच को ठीक है मैं यहाँ पर लेके चले जाता हूँ, ठीक है इधर ठीक है ये एच होगी, ठीक है अब न्यू, न्यू तो ठीक है यहीं से तो उन्होंने क्या किया था, ठीक है फार्मूला भी बनाया था भाई, ठीक है क्या फार्मूला बनाया था देखो न्यू को आप लिख सकते हैं C/λ लिख सकते हैं, C/λ इक्वल टू E2 - E1 ठीक है अपॉन एच, ठीक है ना तो बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पर जो उन्होंने एक्सप्लेन किया ये सारी चीजें, ठीक है और इसी से जो है फिर उन्होंने ठीक है जो है लैम्डा भी या फिर 1/λ जिसे हम क्या कहते हैं वेव नंबर कहते हैं इसी को तो यूज किया था उन्होंने, ठीक है वेव नंबर को, ठीक है 1/λ जो है ठीक है ये कहलाया E2 - E1 / Hc, ठीक है ये एक्सप्रेशन ऐसा आया, ठीक है इसी से फिर जो एनर्जी वगैरह भी जो उन्होंने निकाली सारी की सारी, ठीक है तो इन्होंने क्या किया, ठीक है ये जो ये सुना ठीक है इसने सभी के जो है ना ठीक है एक्सप्लेन किया भाई, ठीक है जो भी स्पेक्ट्रम बने किस किसका, ठीक है 10^13 ने एक्सप्लेन किया 10, इट एक्सप्लेन्स द स्पेक्ट्रम ऑफ, एक्सप्लेन्स द स्पेक्ट्रम ऑफ, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन
एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो रही, ठीक है, उन सभी के स्पेक्ट्रम को उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसे कौन कौन सी थी, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, उनको एक्सप्लेन किया भाई इन्होंने, लाइन स्पेक्ट्रम सारे के सारे, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक जो पार्टिकल्स थे जैसे क्या था, हीलियम प्लस रहा, ठीक है, उसके बाद कौन रहा, एल आई, ठीक है, प्लस टू रहा, ठीक है, तीन होते हैं इलेक्ट्रॉन, दो निकल के एक रह गया, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, बेरियम प्लस थ्री रहा, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। ऐसी स्पीसीज के लिए इन्होंने क्या किया, सबको एक्सप्लेन कर दिया था, किसने, ठीक है, बोर ने जो एक्सप्लेन किया, ठीक है। साथ ही इन्होंने, ठीक है, और किसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया इन्होंने, ठीक है, इट आल्सो एक्सप्लेन, ठीक है, इट आल्सो एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, जो कि स्पेक्ट्रम, ठीक है, कौन कौन से स्पेक्ट्रम, जैसे कि आपका लीमन स्पेक्ट्रम था, ठीक है, उनको भी एक्सटेंड किया, ठीक है, बताया ये इस वजह से हो रहा है, बामर रहे, ठीक है, बामर के स्पेक्ट्रम को, ठीक है, लीमन सीरीज बताई हुई, ठीक है, उन्होंने जो है, ठीक है, बामर सीरीज बताई, और कौन कौन सी जल्दी बताओ, ठीक है, उसके बाद कौन सी रहेंगी, ठीक है, पास्टन सीरीज रहेगी, ठीक है, पी एस सी एच ए एन, ठीक है, पास्टन सीरीज रहेगी, ठीक है, उसके बाद क्या रहेगी, ठीक है, जो ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज को, ठीक है, उन्होंने एक्सटेंड किया, ठीक है ना भाई, और उसके बाद, ठीक है, जो कि नंबर वाइज याद रख सकते हैं यहाँ पर, जो है फुंड सीरीज, ठीक है, उसके बाद एक और सीरीज चटर जो रहा, ठीक है, वो हम्प्रे सीरीज, ठीक है, रहा, ठीक है, मैंने बताया नहीं, ठीक है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है, ऐसा था एडवांस में ही, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, हम्प्रे सीरीज, तो इन सभी को जो एक्सप्लेन किया हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फर्स्ट से, मतलब, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल से आ रहा है, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल से, ठीक है, फर्स्ट में आ रहा है, तब ये बनता है लीमन सीरीज एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, ये कहाँ पर देखे गए थे, यूवी रीजन में देखा गया, कहाँ पे, यूवी रीजन में, ठीक है, एक्सप्लेन किया, ठीक है, इनको जो है बामर सीरीज कहाँ पे थी आपकी, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम था इनका, तो विजिबल स्पेक्ट्रम था, और ये सारे के सारे कहाँ पे थे, ठीक है, इंफ्रा रेड रीजन, कहाँ पे थे, ये इंफ्रा रेड रीजन के अंदर, ठीक है, तो इनको भी जो इसने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पर, ठीक है, रीजन, ठीक है, तो यहाँ पर बताया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो जंप करके आता है कहाँ से कहाँ पे आता है, ठीक है, इसमें भी, ठीक है, देखो इसमें जो N1 की वैल्यू क्या थी, ठीक है, N1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, जो है इस वाले केस में, ठीक है, 1 थी, और N2 की वैल्यू जो रही वो क्या रही, ठीक है, N1+1, ठीक है, और N1+2, ठीक है, ऐसे कुछ भी रहेगी, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या रही, N1 की वैल्यू इसके लिए क्या रही, वही यहाँ पर 2 रही, और यहाँ पर जो N2 की वैल्यू जो थी वो क्या थी, ठीक है, इससे एक ज्यादा, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, मतलब हाई एनर्जी लेवल, ठीक है, ये हाई एनर्जी लेवल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ पा रहा है, ठीक है, सेकंड में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ पा रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है, N2 से N1 में आ रहा है, ठीक है, इससे इसमें आ रहा है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन रिडबर्ग वाला फॉर्मूला वो सारे जो एक्सप्लेन किया भाई इन्होंने, ठीक है, जो है यहाँ पर जो ऐसे यहाँ पर भी रहेगा, N2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ठीक है, N1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है इनके लिए, ठीक है, N1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जो है 4 रहेगी, यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी, N1 की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, 6 रहेगी, ठीक है, तो जंप कर रहे हैं ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पर जो N2 की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, 4, ठीक है, 4, 5, 6, ठीक है, ऐसे रहेगा, और यहाँ पर जो है N2 की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, इससे एक ज्यादा, 5, 6, 7, ठीक है, ऐसे रहेगा, ठीक है, तो N2, ठीक है, सभी के लिए जो एक्सप्लेन है कर देता है यहाँ पर जो सारी चीज, ठीक है, इनके द्वारा जो एक्सप्लेन हो गई थी, ठीक है, अब ये तो रही, ठीक है, इनकी जो है, ठीक है, इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अब बात करते हैं, ठीक है, इसकी लिमिटेशन, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन भी रहेगी, ठीक है, क्यों जो इसको डिस्कार्ड करना पड़ा, आज के समय में जो इन्होंने मॉडल दिया, और आज के समय जो हमारे पास, ठीक है, एटम का एटमिक मॉडल है, ठीक है, वो तो बिल्कुल इनसे अलग ही है, ठीक है, तो वो जो है कैसे अलग है, ठीक है, उसी को हमने यहाँ पर देखने वाले, ठीक है, लिमिटेशन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, लिमिटेशन जो है वो देख लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, ठीक है, ये भी जरूरी है, फिर उसके बाद जो है, ठीक है, हम जो है अपना जो नया मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है उसी के ऊपर जो हम, ठीक है, वापस आएंगे, ठीक है, ये तो हमने पढ़ना है भाई, ठीक है, अभी तो हम, ठीक है, हिस्टोरिकल व्यू सारे का सारा हम पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या लिमिटेशन रही, ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो पहली लिमिटेशन, ठीक है, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, इनएबिलिटी एबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, देखो भाई जो बोर का एटॉमिक मॉडल था ना, ठीक है, बोर मॉडल, ठीक है, जो थी, ठीक है, बोर मॉडल वाज किसके लिए था, केवल वाज एप्लीकेबल टू, वाज एप्लीकेबल केवल टू किसके लिए था भाई, केवल कौन से, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ठीक है, वो क्या था, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है, स्पीसीज के लिए था, ठीक है,
व्हाट एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन स्पीसीज, जैसे कौन कौन सी आपका, ठीक है, हीलियम प्लस, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन केवल उनके लिए ही एप्लीकेबल था भाई, ठीक है, याद रखिए इस चीज को भाई, ठीक है, प्लस थ्री, ठीक है, ये रहा, ठीक है, लिथियम, ठीक है, प्लस टू, ठीक है, ये रहा, केवल इनके लिए एप्लीकेबल था, ठीक है ना। बोर मॉडल, ठीक है, जैसे अगर आपका जाता है हीलियम, ठीक है, टू, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है, इट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम और उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है, याद रखिए इस चीज को, ठीक, एक तो ये हो गया भाई, ठीक है। तो जो सारा का सारा जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन था ना, ठीक, उनके एटम को, ठीक है, एक्सप्लेन कर पाए, हीलियम जो एक्साइटेड स्टेट में थे, ठीक है, एमिशन हो रहे थे चार्ज, उनके जो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया इसने, बोर ने जो है, लेकिन जब आपका, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये जो है, समझ गए, स्पेक्ट्रोस्कोप यू टेक्निक वगैरह उनसे देखा इनको, ठीक है, इनको एक्सप्लेन नहीं किया, बट इसके अंदर जो बहुत सारी क्लोजली स्पेस लाइंस थी, तो ये सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इसके बाद जो है ना, ठीक है, दूसरा जो था, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, स्प्लिटिंग, राइटिंग में कितनी गंदी है ना मेरी, यहाँ पर भी गंदी आ रही है, इट एक्सप्लेन्स, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन्स स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बाद में कहलाया जीमन इफेक्ट। देखो, जीमन नाम के एक साइंटिस्ट रहे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ठीक है, जो लाइन स्पेक्ट्रम था ना, इसको स्टडी किया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वहां पर जो उपयोग किया, तो ये लाइन क्या होती, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होते, स्प्लिट हो जा रहे थे, ठीक है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होते, स्प्लिट हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, इस इफेक्ट को उसने कहा जीमन इफेक्ट का, इसको जो बोर जी है ना एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है ना भाई, क्यों स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है, ये जो क्या करेक्टर है, ठीक है, समझ में नहीं आया इनको जो है, ठीक है, एक तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दूसरा था एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन द प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई स्पेक्ट्रल ऑफ लाइन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द लाइन्स आल्सो गेट स्प्लिटेड, द स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है, जो स्पेक्ट्रल लाइन्स थी आल्सो गेट स्प्लिटेड, वो भी क्या हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी भाई यहाँ पर भी, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो, ठीक है ना। अब ये क्यों हुई है, ठीक है, क्यों हुई है, ठीक है, ये इफेक्ट कहलाया स्टार्क इफेक्ट, कहलाया स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, स्टार्क इफेक्ट जो बात कर, ठीक है, इसको भी जगह वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, कौन बोर्ड जी, ठीक है ना। तो ये जो क्या रही, ठीक है, इसकी जो है दो तीन जगह प्रॉब्लम रही है, ठीक है, और भी देख लेते हैं कौन सी प्रॉब्लम रही, ठीक है, ठीक है, ये, ठीक है, अब जो है, ठीक है, इसका जो है, ठीक है, तो थर्ड जो, ठीक है, प्रॉब्लम क्या रही, ठीक है, उसको देख लेते हैं यहाँ पर जो, ठीक है, अब जो है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, ठीक है, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, एक्सप्लेन थ्री डायमेंशनल, ठीक है, जो थ्री डायमेंशनल मॉडल है एटम का, थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ एन एटम, देखो आज के समय में जो मॉडल मिलता है हमें, ठीक है, 3D मॉडल मिलता है, ठीक है, हाँ, ठीक है, प्रेजेंट का जो मॉडल है एटम का वो कैसा है, ठीक है, प्रेजेंट मॉडल जो कैसा है, ठीक है, वो 3D मॉडल, ठीक है, 3D मॉडल, ठीक है, 3D है, लेकिन जो बोर का जो मॉडल था वो कैसा था, 2D मॉडल था, ठीक है, बोर जो मॉडल था वो कैसा था, 2D, ठीक है, 2D मॉडल था भाई, 2D का मतलब क्या है, देखो इसने क्या कहा, देखो ये एटम का सेंटर क्या है, न्यूक्लियस था भाई, ठीक है, एटम का सेंटर हो गया था न्यूक्लियस था, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ठीक है, फ्लैट वे में, ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं वो, रिवॉल्व कर रहे हैं सिर्फ सर्कुलर पाथ, ठीक है, जैसे कागज पे रहेंगे ना, ठीक है, ऐसे ही फ्लैट वे में करते रहेंगे, ठीक है, क्या करते रहेंगे, मोशन करते रहेंगे इसके चारों तरफ जो है, ठीक है, ये तो बताया था किसने, बोर ने बताया, ठीक है, लेकिन आज के समय हम क्या जानते हैं, 3D मॉडल के अंदर एटम का सेंटर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, 3D है, ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होगा वो कैसे कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे भी मूव कर रहा होगा, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है, और ठीक है, वो ऐसे भी मूव कर रहा होगा, ठीक है, यूं भी मूव कर रहा होगा, ठीक है, इधर से भी मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये क्या कहलाया, ये जो 3D मॉडल जो है कहलाया पूरा पूरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जा सकता है, तो 3D में अगर हम इसको समझे यहाँ पर, ठीक है, जैसे एटम के स्टार्टिंग में ये वाला स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये 3D मॉडल कहलाता है,
इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो, ठीक है। बाद में जो आया ये मॉडल, ठीक है, जो कि ये आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहलाता है, ठीक है। प्रेजेंट मॉडल जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स पर, ठीक है, बेस्ड है, ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहलाता है आज का जो मॉडल है हमारा, ठीक है, मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स पर है, ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल से ये बना है, ठीक है, वेव मैकेनिक्स से बना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है भाई। तो इसलिए भी इसको क्या करना पड़ा, डिस्कार्ड करना पड़ा बोर के मॉडल को जो है, ठीक है, ये वाला बोर मॉडल, ठीक है, हमें डिस्कार्ड करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, क्या रहा, ठीक है, और भी जो है, ठीक है, देख लेते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। आप पढ़ोगे फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे कि मॉलिक्यूल की शेप जो है कैसी होती है, ठीक है, तो उसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। इसके बाद जो है, ठीक है, नंबर पांचवा जो रहा, फिर कुछ ऐसे जो डेवलपमेंट हुई, ठीक है, तो उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जैसे कौन कौन से दो, ठीक है, कंसेप्ट रहे यहाँ पर जो आपका, एक तो कौन सा आता है, डी ब्रोगली कंसेप्ट, ठीक है, डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली भी कहते हैं, फिर डी ब्रोगली भी हम इसको कह सकते हैं, डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, लगता है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, एक तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, पढ़ेंगे भाई हम आगे इसको, ठीक है ना, क्या रहा ये जो है, ठीक है, ये भी जो हम, ठीक है, पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक तो ये रहा और दूसरा जो रहा, एक तो ये फिनोमना और दूसरा फिनोमना क्या रहा, ठीक है, इसमें यहाँ पर देख लेते हैं, एक रहा हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है ना, ठीक है, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन्होंने इन दोनों डेवलपमेंट ने, ठीक है, नींव रखी किसकी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, ठीक है, तो इन दोनों को ही हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होने वाला है, यही जो है दोनों के दोनों होने वाले, एक तो डी ब्रोगली कंसेप्ट है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का जो ड्यूल नेचर होता है, ठीक है, लाइट का ड्यूल नेचर है, ठीक है, पढ़ लिया हमने, ठीक है, आइंस्टीन ने, और जो है, ठीक है, सबसे पहले जो है वेव मैकेनिक्स, ठीक है, रही हमारी, ठीक है, वेव जो थ्योरी थी मैक्सवेल की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें पता चला, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता चली भाई, ठीक है। इसके बाद जो है, ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल भी आया, ठीक है, तो ये सारी चीजें रही, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है भाई। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।